हेलो एवरीवन, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की इस रिक्वेस्टेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है खांसी से कैसे बच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको एक से दो बार खांसी आ रही है तो आपकी खांसी बढ़ भी सकती है दोस्तों। उससे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी खांसी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस सिंपल से सरल से नुस्खे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी खांसी किस तरह से जड़ से ख़त्म हो सकती है। खांसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है, गला दुखता है, कफ हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से बोलना भी दुश्वार हो जाता है। तो खांसी से कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो फ्रेंड्स, सही समय पे इसका सेवन करने से आपको खांसी से निजात मिल जाएगी और आपको कोई भी दवा मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार होगा और आपको खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हल्का फुल्का कफ है, बुखार जैसा लग रहा है तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सी बॉल ले लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से बॉल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी दोस्तों आधी छोटी चम्मच हल्दी। जी हाँ दोस्तों, ये घर की पिसी हुई फ्रेश हल्दी है, यानी कि पूरी ऑर्गेनिक है। और अगर आपके पास इस तरह से हल्दी नहीं है तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की हल्दी ले सकते हो। अगर आप घर की हल्दी बना के इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा दोस्तों, वरना आप मार्केट वाली हल्दी से भी काम चला सकते हो, मगर वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है हनी। दोस्तों, हनी में ऐसे गुण होते हैं जिससे हमारी खांसी ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है दोस्तों। और ये बहुत ही सिंपल सा सरल सा नुस्खा है जिसे आपको खाना है सुबह में दोस्तों। इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मैं थोड़ा सी और हनी ऐड कर रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक चम्मच हनी लिया है दोस्तों। आप हनी को यानी कि शहद को अच्छे से मिक्स करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से इस फॉर्म में बनता है दोस्तों। च्यवनप्राश जैसा होता है ना, तो उसी तरह से होता है ये। देखिए, उसी तरह से बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो अब क्या करना है दोस्तों, जब आपको सुबह सुबह इसको खाना है फ्रेंड्स, इसको आपको दो टाइम लेना है। एक सुबह में ले सकते हो और एक खाना खाने के बाद सोने से पहले ले सकते हो। आपको इतनी क्वांटिटी में लेना है दोस्तों, जब भी आपको खाने का हो तभी आप बना लीजिए और फटाफट खा लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसको रख नहीं सकते हैं, फ्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके गुण निकल जाएंगे दोस्तों। जब भी आपको खाना हो तभी आप ताज़ा फ्रेश बनाकर ही खाएं और आपको 2 से 3 दिन में फ़र्क दिखने लगेगा। आपको इसको कंटिन्यू रखना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप एक बार खा लिए तो बस आराम करने लग गए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आपका गले में आराम हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको 2 से 3 दिन लगातार इसको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी, आपको कोई भी बाहर से दवा वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झटपट से आप घर पर बना लीजिए और खाइए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर आप इसे लाइक और शेयर कर दें।